गुड मॉर्निंग एवरीवन। 5:30 बज चुके हैं, मेरी पूजा हो चुकी है, नहा धो के एकदम अच्छे से। और आज मैंने कान्हा जी की ड्रेस चेंज करी है, जो कि मैं लेके आई थी नई वाली। देखो ये है पगड़ी और ये है येलो ड्रेस। लक्ष्य भी नहा के आया हुआ है। बेटा जल्दी से कपड़े पहनो। अरे अरे कान्हा जी कितने क्यूट लग रहे हैं, नज़र ना लग जाए किसी की। चलो आज है संडे तो तुलसी मैया पर दीपक लगाना नहीं है। रही मैंने सूट नहा के ही पहन लिया था बस अभी। मैं आज मैंने हेयर वॉश भी किया है, तो कॉम्ब वगैरह कुछ नहीं करूँगी। अब लड्डू को कपड़े वगैरह पहना के हम लोग निकलते हैं मंदिर के लिए। हम कहाँ जा रहे हैं आप लोग ब्लॉग में बने रहना। 6 बजे की समथिंग हम लोग निकल जाएंगे, अभी आधे घंटा है। चलिए 6:10 होने वाले हैं। लड्डू को कर दिया है मैंने रेडी। हेलो लड्डू, चलो चलते हैं। चलो हाँ ये एकदम रेडी, चलिए निकलते हैं। हम कहाँ जा रहे हैं, जहाँ हम जा रहे हैं फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। लाइट वाइट बंद कर देते हैं, ये भी बंद कर देते हैं। चलो एक लाइट जला देती हूँ, वहाँ की जला देती हूँ। हेलो लड्डू, हाँ हट्टा कहाँ है बताना, हट्टा कहाँ है, कहाँ दो कौन है? नहीं 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 हाँ बेबी क्या डॉगी कहाँ है? राम राम कर लो, चल राम राम कर लो, जय श्री राधे कर लो, जय श्री राधे। सबको किसी कर दो, बोल दो हेलो। नोज कहाँ है लड्डू की? तो 6:30 बज रहे हैं अभी और सूरज देवता के आप लोग दर्शन कर लीजिए। अभी गर्मियों का मौसम है ना, तो जल्दी निकल आते हैं। और यहाँ पे अभी हम रुके हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। अभी पेट्रोल बहुत जरूरी है भाई, कहीं भी जाना है तो। बेबी पापा, पापा कहाँ गई? पापा पैसे देने गई है। सब लोग नहाए हैं लेकिन लड्डू को मैं नहीं नहलाया, सुबह का टाइम था। फिर ये इसकी तबीयत इतना ख़राब हो जाए, क्योंकि हम तो बड़े हैं तो हमारी नींद पूरी होगी तो कोई बात नहीं। बड़े कल दिन में भी नहीं सोया और सुबह भी मैं जब पूजा कर रही थी तो उठ गया था, उसके बाद फिर चला गया, फिर उठ गया, ऐसे ही कर रहा था ये। उसकी नींद पूरी नहीं हुई, और मेरी तो सही सच बता रही हूँ 2 घंटे 24 घंटे में से मैं 2 घंटे या 3 घंटे ही सो पा रही हूँ। तबीयत ख़राब ना हो जाए, देखते हैं क्या होता है। जय माता दी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, क्योंकि माता रानी के दरबार में हम जा रहे हैं। और शीतला माता के मंदिर ग्वालियर में कौन कौन गया है मुझे ये भी बताना। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ पब्लिक स्कूल। और लक्ष्य कह रहा था ये DPS है, शॉर्टकट में DPS इसको भी बोलेंगे वैसे ही। तो पेट्रोल भरवाने के बाद अभी हम निकल पड़े हैं, और माता रानी का बुलावा आया तो सुबह सुबह हम लोग निकल आए। वो कहते हैं ना, कितना भी प्लान कर लो, जब तक उनका बुलावा नहीं आता है कहीं भी किसी भी मंदिर में, तब तक जाना नहीं हो पाता है। तो फाइनली आज मैं फ़र्स्ट टाइम जा रही हूँ, मेरे बच्चे भी फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, ये पहले भी जा चुके हैं, ये तो पैदल भी जा चुके हैं। तो यहाँ का जो एरिया है ना, बहुत एकदम अच्छा लग रहा था। और ये यहाँ पर गेट बना हुआ है जिस पर लिखा था शीतला माता, और यहाँ पर ट्रैक्टर वगैरह चल रहे थे। सुबह का समय था तो इतनी ज़्यादा मतलब भीड़ भाड़ क्या, बहुत कम लोग मिल रहे थे, सिर्फ दूध वाले हमें ज़्यादा मिल रहे थे। तो फाइनली बस हम पहुँचने ही वाले हैं। और इस टाइप का एरिया ना पहले हमारे गांव में हुआ करता था, लेकिन अभी तो सारी एकदम खेत बन चुके हैं, तो मुझे अपनी गांव की भी याद आ गई थी। तो चलिए हम चलते हैं शीतला माता के मंदिर। जयकारा लगा दीजिए कमेंट बॉक्स में। और हम लोग पहुंचने वाले हैं, लेकिन भीड़ भाड़ बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मॉर्निंग का समय है। तो हम लोग आ गए हैं मैया के दरबार में, और कितनी अच्छी हवा चलने लगी है ना, कितनी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है यार। इतना सुकून मिलता है ना यहाँ आते ही, बहुत ज़्यादा। हाथ पैर धुल लो, इधर देखो लड्डू, लड्डू अलग ही लगा पड़ा है, कमजोर बहुत हो रहा है ये। हाँ माला नहीं है, फूल माला शाम को ले आते अपन, माला है ना, भूल गए।
ले लो प्रसाद, क्या चढ़ाते हैं वही। कितने की है? पूरे 100 रुपए का 100 सिंगर से 100 रुपए की चुन्नी। नारियल साइज, नारियल की है। दो नारियल की? एक नहीं, एक ही आता पूरा प्रसाद में, एक ही आता। अपने इसमें लड्डू नहीं रहते होंगे सर? आपकी मर्जी, जो भी बेस्ट का माना चाहिए। तो ये शादी से पहले आए थे जब कॉलेज में पढ़ते थे तब, तो बोले पैदल आए थे ये। सुनो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम ये माचिस है तुम्हारे पास? चलो चलते हैं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि ये पैदल आए थे इतनी दूर। हाँ, और ये दोनों आ रहे हैं देखो। तो फाइनली हम लोगों ने पूजा कर ली है। बहुत टाइम तक मैंने अच्छे से माता रानी को निहारा और मुझे बहुत अच्छा लगा। पंडित जी से भी थोड़ी बहुत बात हुई, उसके बाद मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। बहुत सारे लोग तो यहाँ पे आए भी होंगे और बहुत सारे लोग नहीं भी आए, सब लोग दर्शन कर लीजिए, माता रानी से आशीर्वाद ले लीजिए। लाइट नहीं थी सुबह के समय, पंडित जी बता रहे थे, इसलिए अंधेरा जैसा था और हम लोग जल्दी भी पहुंच गए थे। और यहाँ पे साइड में भी बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं, राधा कृष्ण के मंदिर हैं, सारे भगवान के मंदिर हैं, माता रानी के मंदिर हैं। तो वहाँ पे भी हम लोगों ने दर्शन किए और लड्डू को भी कराए हमने, बहुत अच्छे से प्रसाद वगैरह चढ़ाया, चुनरी वगैरह। और पंडित जी से मेरी बहुत सारी बात हुई, जानकारी ली मैंने कि माता रानी का मंदिर यहाँ पर कैसे आया। तो पंडित जी बता रहे थे कि इनका मेन मंदिर गोहद बता रहे थे शायद कि गोहद में है, ये बाल रूप में यहाँ पे आई थी और तब से यहीं विराजमान है। उस वाले मंदिर में भी अभी भी मेला लगता है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी बहुत जानकारी भी मिली यहाँ पे। और नवरात्रों में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है, पैर रखने के लिए भी जगह नहीं रहती है। जहाँ पे शीतला माता का गेट मैंने आपको दिखाया ना, जहाँ से हमने एंट्री करी, वहाँ से लोग पैदल आते हैं पार्किंग में गाड़ी लगा के, इतनी भीड़ भाड़ रहती है। तो आप लोग भी यहाँ आए हो क्या मुझे ज़रूर बताना। नवरात्रों में तो हर जगह ही वैसे भीड़ रहती है। यहाँ पे देवी के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। यहाँ पे एक झूला था प्यारा सा और ये देख सकते हो आप मंदिर, बहुत सुकून मिलता है। मैं तो यहाँ पे इतने टाइम तक बैठी रही ना, बहुत ज़्यादा सब लोग आने लगे, पूजा करने लगे, बट मैं तो बस मैया रानी को ही निहारती रही, कुछ जानकारी लेती रही पंडित जी से। उसके बाद यहाँ पर मैं देख रही थी कि मंदिर कैसे बने होते हैं ना, कितने प्राचीन होते हैं। आजकल के घर देखो कैसे बने होते हैं और तुरंत ही मतलब ख़राब हो जाते हैं, और मंदिर कितने पुराने, कितने सालों पुराने होते हैं फिर भी जैसे कि तैसे बने रहते हैं। तो ये है झूला और यहाँ पे देखो लड्डू को भी झुलाना है। तो बस मैं थोड़ी थोड़ी जानकारी ले रही थी, कहीं भी जाना चाहिए तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। उसके बाद बैठ गई मैं यहाँ पर ढोलक पे, तो मैं देखो ढोलक बजाना तो मुझे नहीं आता, आप लोग बताना आपको आता है क्या। मुझे देगी वो तो गया, चल वो कहाँ गया? मैया रानी के बहुत ज़्यादा अच्छे से दर्शन हो गए हैं। सबसे पहले हम ही पहुँचे थे और हमारे बाद तो बहुत लोग आ गए थे। बहुत अच्छे से दर्शन करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं वापस। लड्डू नहीं खेलता, देखते हैं, कुछ देखती हूँ लड्डू के लिए हैं तो बहुत, लड्डू हमारा खेलता नहीं है इनसे। यहाँ पर ये खिलौनों की दुकान है, देखते हैं। पहले मेला वगैरह में जाते थे ना
तो ये खिलौने लेके आते थे। ये देखो बबल्स वाला, वो नहीं खेलता बबल बबल से। मैं दे दो एक जामो। हाँ मुझे पीला ये? हाँ वो खेलना है घर पे। घर पे गंदा हो गया। माता रानी के बहुत ही ज्यादा अच्छे से दर्शन हो गए। क्यों बहुत ज्यादा अच्छे से दर्शन हो गए। और अभी हम जा रहे हैं वापस माता रानी। हम गए थे सबसे पहले, उसके बाद लोगों का आना स्टार्ट हुआ था ना जानू, बस अपन पहुंचे थे वैसे ही। नहीं उससे पहले कोई लाया। उत्तरी कौन है? उत्तरी नाली, उत्तरी बंदे। बोलो शीतला मैया की जय। वाओ चलते हैं। चलते हैं उतार दूं फिर चल लोगे? आधे घंटे में पहुंच जाएंगे ग्वालियर। ग्वालियर नहीं घर। टाइम देख सकते हो आप, 8:30 बज चुके हैं और हम लोग घर आ चुके हैं। और मैं आपको अभी एक चीज दिखाती हूँ। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर से, 8:30 बज चुके हैं और ट्रैफिक मिल गया था इसलिए, और वरना हम लोग जल्दी आ जाते। और बहुत अच्छा लग रहा है माता रानी के पहली बार हमने दर्शन करे और बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी बातें हैं जिनको मैं शेयर नहीं कर सकती जो पंडित जी ने हमसे बोली हैं। कुछ चीज़ें ऐसा होता है ना कि थोड़ा अपने तक रखना चाहिए। और बहुत अच्छा लगा पंडित जी से, वहाँ की हमें कुछ जानकारी मिली, हमने बातें करी पंडित जी से, बहुत अच्छा लगा। और मुझे ना एकदम शांति में ही मंदिर में जाना अच्छा लगता है, जहाँ पर मैं कम से कम 10-15 मिनट खड़े होकर उनको निहार सकूँ, उनको देख सकूँ और अपनी बातें। एक्चुअली मैं सोच के तो बहुत जाती हूँ, बट मैं किसी भी मंदिर में जाती हूँ ना तो मैं कुछ नहीं बोल पाती, सच बता रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं बोल पाती हूँ, बस उनको देखती रहती हूँ। और मैं बोल रही थी ना आपसे कि मुझे आपको एक चीज़ दिखानी है बहुत ही अच्छी, बहुत ही अच्छी, जिसको बहुत टाइम से देख रही थी और फाइनली मुझे मिल गई। तो मैं कल मार्केट गई थी ना, तो शाम को तो मैं लेके आई थी, दोपहर में इनकी फ्रेंड आ गए थे घर में, तो फिर शाम को निकल पाई थी मैं और मेरी नींद भी पूरी नहीं हो रही। कल तो मैं 2 घंटे सोई हूँ बस, रात में 1 घंटा सोई थी, 2 बजे 1.5 घंटा सोई थी रात में, सुबह 1/2 घंटे सोई थी बस। कोई ना कोई बैल बजा रहा था तो फिर नींद डिस्टर्ब हो जाती है। और अच्छी बात यह है कि कल से दीदी आ गई हैं, तो अब देखो कब तक टिकती हैं। और देखो ये बॉल लेके आए हम इसके लिए, तो झाड़ू से बॉल खेल रहा है। मैं आपको दिखा देती हूँ पहले कि मैं क्या लेके आई हूँ। तो ये है हमारे कान्हा जी के लिए फ़ैन, एक्चुअली मंदिर के लिए फ़ैन है, मतलब सबके लिए ही है। और देख सकते हो, और पता है कान्हा जी की कल मैं बहुत सारी ड्रेस लेके आई हूँ, उनमें से आज मैंने एक ही ड्रेस पहना दी कान्हा जी को, कितनी प्यारी लग रही है ना। कल मैं कान्हा जी के लिए बहुत सारी ड्रेस और मुकुट माला और ये फ़ैन, तो कल मैंने कान्हा जी की शॉपिंग करी थी बहुत ज़्यादा, स्पेशली मुझे लग रहा है कान्हा जी की ही करी थी, अपनी तो मैं भूल ही गई थी। तो ये फ़ैन है और इसकी देख सकते हो हवा बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ हवा है। चाइनीज आइटम है बट ये बहुत महंगा लग रहा है मुझे, बट मुझे मिल भी नहीं रहते तो फिर मुझे ये लेके आना पड़ा, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है इसलिए। चार्जेबल है, चार्ज हो जाता है, सेल वाला नहीं है और इसकी कोई भी गारंटी नहीं है, उन्होंने बोला कोई भी गारंटी नहीं है, क्योंकि ये चाइनीज आइटम होते हैं और नॉर्मल ऐसे फ़ैन छोटे वाले मिल नहीं रहे थे। मैं इतने टाइम से ट्राई कर रही थी, देख रही थी, और ऑनलाइन मैंने मंगाया नहीं था, क्योंकि मैंने सोचा क्या पता कैसा आया, फिर उसको एक्सचेंज करो ऐसा वैसा करो, तो महंगा आया है थोड़ा सा। और अभी कल रात में तो ज़्यादा नहीं चलाता ये, मैंने सुबह 3:30 बजे जब मैं उठी थी ना तब मैंने चार्जिंग पर लगाया था। 4 घंटे इसमें लिखा है कि 4 घंटे चार्ज करोगे, अब देखती हूँ मैं उसको। मैंने 4 घंटे चार्ज कर लिया, अभी मैं मंदिर से आई हूँ, मैंने चालू कर लिया, थोड़ी सी गर्मी पड़ने लगी ना इसलिए। अब ये कितने घंटे चलेगा फिर मैं आपको रिव्यू दूंगी, तो आप लोग भी मंगा सकते हो अपने कान्हा जी वगैरह के लिए, अपने मंदिर के लिए छोटा सा फ़ैन मंगा सकते हो। तो पहले भावना भी बोल रही थी कल के बुआ मुझे भी चाहिए, तो मैंने बोला पहले मैं अपना देखती हूँ कितना क्या चलता है। और वो भैया है ना, उन्होंने बोला था कि आप मुझे बताना तो मंडे तक यानी कल तक मैं देख सकती हूँ इसको, नहीं तो अगर नहीं चलेगा ज़्यादा 1 घंटे या ऐसे कम चलेगा तो फिर मैं इसको एक्सचेंज कर दूंगी। देखते हैं कितने बजे तक चलता है, अभी मैंने टाइम लगाया है, फिर मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा महंगा लग रहा है, मैंने उनसे बोला भैया थोड़ा कम कर लो, बट वो कम नहीं कर रहे थे। थोड़ा क्या, मुझे महंगा लग रहा है अकॉर्डिंग टू, हाँ उसका मतलब जितना उसका साइज है उसके अकॉर्डिंग।
चलिए अब मैं कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ, दूध वाले भैया आते होंगे और सारा बिस्तर वगैरह झाड़ देती हूँ। यहाँ का तो मैंने पूजा वगैरह करी थी ना, तो इसका तो मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ सुबह ही सुबह। और जब दीदी नहीं आती थी तो मैं अंदर का पूरा झाड़ू पोछा बाहर तक कर लेती थी सुबह ही सुबह, उसके बाद मैं पूजा करती थी। बस ये बैठक रह जाती थी और उसके बाद फिर ये सो के उठते थे तो फिर मैं इसकी क्लीनिंग करती थी। चलिए और ये गए हैं ब्रेकफास्ट लेने के लिए, देखो क्या लेके आते हैं, समोसे बेडमी वगैरह कुछ लेने गए हुए हैं। हाँ पता नहीं क्या, मेरी तो आंखें बंद हो रही हैं, पहले मैं कपड़े चेंज करती हूँ फिर देखती हूँ क्या करती हूँ। कर ली हैं कपड़े चेंज, सच बता रही हूँ पुराने कपड़ों में ही कंफर्टेबल फील होता है, चाहे कॉटन का कपड़ा हो चाहे कुछ हो, बट सुकून तो मिलता है पुराने कपड़ों में। तो ईयर रिंग्स वगैरह मैंने चेंज कर ली, अभी पहने नहीं है। और आज हम लोग ना लड़चे थोड़ी शॉपिंग भी करनी है, पता नहीं आज जाएंगे कि नहीं जाएंगे क्योंकि फिर हमारे पास टाइम है नहीं ज़्यादा। तो अभी ये नाश्ता लेके आए नहीं है, चलो थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह है उसको मैं कर देती हूँ, लड्डू को खाना खिला देती हूँ, तब तक तो ये आ ही जाएंगे। मुँह मेरा ना कड़वा कड़वा हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। सुबह मैं लस्सी का एक गिलास पी के गई थी और ये भी पी के गए थे, लच ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि उसको वॉमिटिंग वगैरह होती है इसलिए, तो उसने अभी तक कुछ नहीं खाया। चलिए कर लेते हैं झटपट से, काम तो बहुत ज़्यादा होते हैं घर के आपको पता ही है। तो फाइनली इंतज़ार हुआ ख़त्म, गर्मा गर्म ये लेके आए हैं बेडमी, ऐसी इससे भी अच्छी तो मैं बना लेती हूँ। मैं बताऊँ तो मैं ये छोटे छोटे से समोसे दिए हैं, ये हैं गर्मा गर्म जलेबी जो कि मुझे एक खाऊंगी बस, मुझे ज़्यादा अच्छी नहीं लगती, मेरे को अच्छी लगती। और ये है मीठी चटनी और ये है सब्जी। चलिए एंजॉय करते हैं गर्मा गर्म समोसे चटनी के साथ, साथ में दूध गर्म हो रहा है ये और साथ में यहाँ बन रहा है मलाई से घी। चलिए कर लेते हैं अपना काम, चलो बेटा। 10 बज चुके हैं, लड्डू को अभी नहला के मैं सुला देती हूँ। एक्चुअली वो सो गया था हल्का हल्का सा, फिर मैंने उसको खाना खिलाया और खाना खिला के उसको नहला दिया मैंने कि अगर सो गया तो फिर दोपहर की बात चली जाएगी। और आज मुझे अर्जेंट काम भी है और दीदी अभी आने वाली होंगी, 10:30 तो बज चुके हैं, 10 बजे का बोलती है, 10:30 बज चुके हैं और मुझे इतनी नींद आ रही है क्योंकि मैं 2 बजे सोई थी और 2:30 बजे उठी, 3 बजे उठी, फिर 3:30 बजे तो अलार्म बज गई थी, तो 3-4 बार मैं ऐसे उठी थी, तो इस वजह से मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है। ऐसा नहीं एक दिन की, बहुत दिनों की नींद है। तो आज इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए मिलती रहेंगी। और ग्वालियर शीतला माता के मंदिर कौन कौन गया हुआ है मुझे ज़रूर बताना, सिटी से थोड़ा आउट में है बट बहुत अच्छा मंदिर है सच बताऊँ। और बहुत सारी चीज़ें जो समय आने पे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जब आगे कभी मैं वहाँ जाऊँगी तब कुछ शेयर करूँगी। और मान जाओ लक्ष्य, देखो मान जाओ। और मुझे इतनी नींद आ रही है, अब दीदी आ जाएंगी तो फिर नींद तो पूरी हो नहीं पाएगी। हमने ब्रेकफास्ट कर लिया, ये समोसे बेडमी और जलेबी लेके आ गए, इन्होंने दही के साथ जलेबी खाई और मैंने बेडमी और समोसे खाए, लच्छे ने भी खा लिए और अब मैं सोती हूँ। ये तो सो भी गए, लड्डू को सुलाती हूँ मैं सोती हूँ, लक्ष्य टीवी देख रहा है भैया, उसका तो पता नहीं कब सोएगा कब नहीं सोएगा, उसका तो वही जाने। चलो बाय बाय, गुड बाय बाय, गुड नाइट बोल रही हूँ क्योंकि मैं अब सोने वाली हूँ। लड्डू भी बोलता है बाय, बोलो बाय। अरे लड्डू को मच्छर काट गए तो मैंने यहाँ पे ये क्रीम लगा दी और इस वाली क्रीम से मच्छर तुरंत सही हो जाती है, मच्छर का काटा हुआ। तो 1 घंटे की नींद लेने के बाद अभी मैं सो के उठ चुकी हूँ, उसके बाद लगना है मुझे काम पर क्योंकि अभी 11:30 या 12 बज रहे हैं। अभी मुझे बनाना है लंच, अभी सब लोग सो रहे हैं तब तक मैं लंच रेडी कर दूंगी। और इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू, टेक।